जी। कल इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजमेर पर 13 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से 3 बेंचेज है, 2 बेंचेज है वो प्रोबोनो है और 1 बेंच है जो रेवेन्यू बोर्ड की है। 10 बेंचेज है हमने, 9 बेंचेज न्यायिक अदालतों के लिए लगाई है, 1 राजस्व अदालतों के लिए लगाई है। इसी प्रकार समस्त उपखंडों पर भी 2-2 बेंचेज का आयोजन किया गया है, जहाँ पर न्यायालयों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर सिंगल कोर्ट है वहाँ पर 1-1 बेंच का गठन किया गया है। करीबन 30,000 से अधिक मामले हमने अब तक चिन्हित किए हैं और जैसा राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी के तहत सरकार या सरकार के किसी उपक्रम के बीच में अगर किसी व्यक्ति को, आमजन को सहायता दी जानी हो, उसको कोई लाभ दिया जाना हो, उसी की सहायता की जानी हो, उनकी काफ़ी ग्रीवेंसेज भी पेंडिंग रहती है, वो समय पूर्ण तरीके से अगर समयबद्ध तरीके से उनका अगर निस्तारण नहीं होता है तो वो भी एक अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो उन ग्रीवेंसेज को भी हम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको समय पूर्ण न्याय मिल सके और राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को वो जान सकें। सर, कल का समय क्या रहेगा? कल राष्ट्रीय लोक अदालत का समय 10 बजे से 5 बजे तक का है और 10:15 बजे जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जो कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा।